अभी हम उषा के स्टिच क्वीन मॉडल पर पीको कैसे किया जाता है ये देखेंगे। जो है पीको करने के लिए आपको इसका प्रेशर फूड चेंज करना होता है। संजय सिंह आपको बताएंगे कि पीको कैसे किया जाता है, बताइए। सबसे पहले ये जो फुट है इसके पीछे नॉब दिया है, इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे अपनी तरफ तो ये ऑटोमेटिक निकल जाता है। अच्छा, ये नॉब को एक बार दोबारा लगा के आप पुश कीजिए। जो है एक ये नॉब है, इसको हम पुश कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये फुट निकल जाता है जी, इस तरह से। ठीक है, इसको निकालने के बाद इसको अटैच करने के लिए इसमें ये रॉड दिया हुआ है। ये दूसरा पीको वाला फुट है, पीको वाला फुट है। ठीक है, इसमें रॉड है ये छोटा सा, ये रॉड और इसमें होल है छोटा सा, उसको मैच कर देंगे। अगर फिर भी नहीं समझता है तो उसका ये वाला होल और ये वाला गैप इसको मैच कर देंगे। इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इसको हम अटैच कर देंगे। अटैच होने के बाद ये ऑटोमेटिक साथ में उठेगा, काफी आसान है, उठेगा नहीं। उसके लिए पीछे ब्लैक पिन दिया हुआ है, इससे अटैच करेंगे, इससे करेंगे, ठीक, निकालेंगे इससे, निकालेंगे इससे। ठीक है, पीको के लिए हम सिलेक्टर रखते हैं, हम सी यानी पूरा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हाफ रखेंगे। अच्छा, और नॉर्मल पीको करते हैं हम, उसके लिए लेंथ रखेंगे टू। इसको यहाँ पर रख लेंगे, एक बार इसको लॉक कर लेंगे, इससे सुई में धार पर कभी निकलता नहीं है। पीको लिए कपड़ा कैसे रखेंगे, इसमें होल है, इस होल में कपड़े रखेंगे मोड़ कर। ठीक है, ये अपना फुल 100 पीको है और फिनिशिंग देगी। ये किसी भी कमर्शियल मशीन की तरह का